प्रिया राय जेएनआई न्यूज की रिपोर्टर एंड एंकर जेएनआई जो कि सच्चाई के लिए लड़ता है और इंसाफ दिला के मानता है। जनता के लिए लड़ूंगा, इंसाफ के लिए लड़ूंगा, क्योंकि जनता की ही आवाज है मेरी पहचान। नमस्कार, मैं हूं दिवाकर, जेएनआई न्यूज चैनल एंकर एंड मैनेजर। मनोज कुमार यादव, क्राइम ब्यूरो उत्तर। जेएनआई न्यूज, जेएनआई न्यूज आज दिखाने जा रहा है, आपके लिए लेकर हाजिर है। बहराइच जनपद में मचा हाहाकार। शाम को हम बता दें आपको कि ये हाहाकार आज जनपद के अंदर क्यों मचा हुआ है। लगभग दो माह से अधिक का समय बीत गया है, हमारे महसी इलाके में मलबे में फंस कर भेड़ियों का आतंक मचा हुआ था। ड्रोन कैमरे लगाए गए, मुख्यमंत्री महोदय आके जा चुके हैं, कमिश्नर आ गए, जिलाधिकारी महोदया दिन पर दिन वहाँ जो है चक्कर लगा रही है, लोगों के घरों में दरवाजे भी लगाए गए सेफ्टी के लिए। ड्रोन में कैद हुए भेड़ियों को देखा गया, जिसमें पांच भेड़िए अभी तक कैद कराए जा चुके हैं, लेकिन एक भेड़िया जिसे लंगड़ा बताया जा रहा है, उसको बताया जा रहा है गैंग का सरगना, भारत में जाने माने, उसको पकड़ने में अभी तक मुंबई में महाराष्ट्र सरकार वन विभाग पुलिस विभाग नहीं है, दोनों अस्पताल में नाकाम रहे डॉक्टर्स की फैसिलिटी। और यही कारण है कि इस मामले बीती रात महाराष्ट्र सरकार की कमी है, शिजौली क्षेत्र में की कमी है। आप लोग कमेंट बॉक्स में भेड़िए को छोड़ बात का आतंक मचा है, जोरों पर हो गया। बताएं साथ ही हमारे और को अगर हम बता दें आपको कि महसी के नकहा रंपुरवा में माँ की गोद में सो रहे बच्चे को भेड़िया उठा ले गया, क्योंकि परिवार इस दिन से दो महीने से वहां दहशत फैली हुई है, इसलिए हर परिवार बहुत ही चौकसी बरत रहा है और चौकसी के कारण ही भेड़िए से बच्चों को छोड़ा लिया गया, जिसे घायल अवस्था में जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। दूसरी घटना, भेड़िए के साथ साथ अब सुजौली क्षेत्र के अयोध्या पुरवा में रात को छत पर सो रही किशोरी पर बाघ ने हमला कर दिया, उसकी चीख पुकार पर परिवार के और गांव के लोग दौड़े और उस किशोरी को घायल अवस्था में बचा लिया गया, लेकिन घायल अवस्था में उसे जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। यही नहीं, उसी इलाके के मुर्तिहा क्षेत्र के हरकापुर ग्राम सभा में एक युवक पर भी बाघ ने हमला कर दिया। इस तरीके की घटनाओं से जहां पूरे जनपद का माहौल बिगड़ा हुआ, पूरा जनपद दहशत में जी रहा है, ग्राम के लोग, ग्राम सभा के लोग भी ज्यादा दहशत में है कि कब किसके घर में भेड़िया, किसके घर में बाघ घुस करके और कोई हमला कर दे। इस तरीके से चार लोगों को घायल अवस्था में, दो मासी से, दो एक सुजौली और एक मूर्तिहा से, बाघ के हमले के और भेड़िए के हमले के चार लोगों को भर्ती कराया गया, जिसमें मासूम भी है। ज्यादा गंभीर हालत में एक मासूम को और एक युवक को लखनऊ रेफर कर दिया गया है। डॉक्टरों ने बताया कि हालत गंभीर थी, यहाँ पे प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया गया है। अब ऐसी दशा में लोगों का मानना है, इलाके के लोगों ने बताया कि या तो जंगल में जो व्यवस्थाएं जो है जंगली जानवरों के लिए होनी चाहिए, वो व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही है, जिन कारणों से ये जंगली जानवर आबादी में आकर के इस तरीके के हमले कर रहे हैं। फिलहाल दो महीने बीत चुके हैं और एक लेंगड़े भेड़िए को पकड़ने में वन विभाग और पुलिस विभाग नाकाम रहा, अब तो उससे ज्यादा हो गया, क्योंकि बाघ के हमले भी शुरू हो गए हैं। देखना ये होगा कि प्रशासन और वन विभाग कब तक इन बाघों को और इन भेड़ियों को कैद कर पाता है और इलाके के लोगों को इससे निजात मिलती है। कैमरामैन सोहराब खान के साथ बहराइच ब्यूरो अब्दुल कादिर की रिपोर्ट।